भाई एकदम से मैच आपने हमारी जूरी में डाल के रख दिया, क्या कर रहे थे हमें ही समझ नहीं आ रहा था। लास्ट में आते आते वही हो गया, बद्दोबद्दी हो गया। आपको भी लगता है कि बद्दोबद्दी हुआ पाकिस्तान क्रिकेटर्स के साथ आज? मुझे ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान के जो बल्लेबाज थे कौन से प्रेशर में जी रहे थे यार। मैच आपके हाथ में, पाकिस्तान की टीम इंडिया से हार गई मेलबर्न में, ठीक है, पाकिस्तान के कप्तान ने क्या किया, टी शर्ट लेके जा रहे हैं, ऑटोग्राफ टी शर्ट ले रहे हैं विराट कोहली की। लेकिन विराट कोहली को आप देखिए कैसे करके चलते हुए आते हैं, हाँ ऐसे ऐसे करके चलते हुए आते हैं, मतलब एटीट्यूड में रहते हैं अपने। शादाब इमाम ना इनकी बल्लेबाजी समझ में आई। अब बहुत सी चीजें थी जो टीम पाकिस्तान को जीत दिलाना चाहते थे, मगर एक पाकिस्तानी क्रिकेटर थे जो भारत के खिलाफ जीतने का कोई तमन्ना लेकर नहीं आए थे। क्लाउडी वेदर था जब पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया, और हम समझ रहे थे कि आधा मैच तो हमने जीत लिया। 119 पर टीम इंडिया को ढेर भी कर दिया, मगर उसके बावजूद मैच जब पूरी हमारी मुट्ठी में था न जाने कब फिसल गया, कुछ पता ही नहीं चला। मेरे साथ इंडियन जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये वो जर्नलिस्ट हैं जिन इनको भी लग रहा था कि अब तो इंडिया मैच नहीं जीत सकता, मतलब हम मजाक कर रहे थे आपस में, मैं इनको मजाक कर रहा था, बाद में इन्होंने जो मेरे साथ किया वो बात की बात रही। मगर इनसे मैं ये जानना चाहूंगा कि इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट जहां पे आज खड़ी है, इनको लग रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट इस लेवल पे भी आ सकती है। मेरे से पहले विपुल मौजूद है, फिर रविश बिस्ट मौजूद है, दोनों से हम सवाल पूछेंगे। आपको क्या लगता है, आपको था कि आज इंडिया जीत सकता है ये मैच? देखो भाई, सुबह जब तीरथ जी आपने बोला, मैं जब आ रहा था तो मैंने भी लोगों से ये बात कही थी कि यार जो कंडीशन थे, अगर टॉस पाकिस्तान जीत जाती है तो पाकिस्तान लाल लपेट देगी, और वो हुआ भी। पूरा मैच आपके कंट्रोल में था, मैंने खुद मैं और रविश भाई सैड होकर बैठे, मैं कहा आज हम भी गए। लेकिन जो एकदम वक्त बदला ना भाई, एकदम से मैच आपने हमारी जूरी में डाल के रख दिया, क्या कर रहे थे हमें ही समझ नहीं आ रहा था। 119 का टारगेट बस, और मैं और रविश यही बात कर रहे थे कि यार 130 का टारगेट होता है, दिमाग में होता है कि 100 रन बनाए अभी 30 और बनाने, लेकिन यहाँ पे क्या था, 100 तक पहुंच जाओ, 10-20 रन तो बनाने हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट तक आपने खींचा नहीं मैच, गवाते जा रहे, फिर पूरा ही गवा दिया। बाबर की मुझे दो चीज नीचे समझ नहीं आई कि इफ्तिकार अगर बल्ला घुमा लेता है तो उसको ऊपर भेज देते, और नसीम बल्ला घुमा लेता है तो नसीम को थोड़ा ऊपर भेज देते, लेकिन नसीम को बिल्कुल लास्ट में जा रहे। यार आप मैच जीतने को खेल रहे थे या प्रैक्टिस में ट्राई कर रहे थे कौन कहाँ खेलेगा? अगर हमने भी लक्ष्य ऊपर भेजा, रोहित ने पंत को ऊपर कर दिया, वही मेरे को लगता करना चाहिए था। लेकिन हमें एक पॉइंट सच में लगा था भाई कि मैच गया, लेकिन लास्ट में आते आते वही हो गया, बद्दोबद्दी हो गया आपका। आपको भी लगता है कि बद्दोबद्दी हुआ पाकिस्तान क्रिकेटर्स के साथ आज? मतलब आपको लगा कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स की इंटेंट ही नहीं है, या वो सोच के आए कि हम जीत ही नहीं सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे यार ये लगा कि जब 119 रन पड़े थे मुझे लगा था आज मैच गया, तो उसके बाद पाकिस्तान टीम जब खेलने आई, पार्टनरशिप बड़ी अच्छी बाबर रिजवान ने भी किया, लेकिन उसके बाद जो उस्मान आए थे और रिजवान थे, और रिजवान मुझे बड़े इंटेलिजेंट लगते हैं कि वो इंटेलिजेंटली करेंगे, लेकिन आज पाकिस्तान की बैटिंग जो है ना वो एक्सपोज हो गई, वो इस पिच के सामने खेल ही नहीं पाई, ना वो प्रेशर हैंडल कर पाई। मुझे ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान के जो बल्लेबाज थे कौन से प्रेशर में जी रहे थे यार। मैच आपके हाथ में, धूप पूरी खिल चुकी है, जो बुमराह ने भी बाद में बोला पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि भाई हमारे जब हम लोग बैटिंग करने आए थे तो उस समय तो ओवरकास्ट कंडीशन थी, पाकिस्तान जब बैटिंग करने आया धूप खिली हुई है, जिसे बोलते परफेक्ट बैटिंग कंडीशन। आप रन अ बॉल था आपका यार, 120 बॉलों का गेंद होता है, 120 रन आपको बनाने हैं। आप सिंगल्स एंड डबल्स का भी गेम वहां पे चला सकते थे, वो भी पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने नहीं चलाया। कर रहे थे आप, हाँ, सिंगल डबल रिजवान जब प्रीत था वही कर रहा था कि वो शॉट ही नहीं मार रहा था, और हम यही बात कर रहे थे कि इसने गेम पढ़ लिया, मुझे शॉट मतलब सिंगल डबल मैच निकाल दो, मुझे पता नहीं क्या हुआ। मुझे मुझे पाकिस्तान के बल्लेबाज समझ ही नहीं आया यार इस मैच में कि करने क्या आए थे वो, मतलब या वो उस लेवल के ही नहीं थे। और मैं तारीफ यहाँ पे रोहित शर्मा की भी करूंगा भैया, रोहित शर्मा की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से वो बुमराह को बीच में लेकर आए, उनको पता था कि मेरे पास एक तुरप का कार्ड है, ट्रम्प कार्ड है, वो है जसप्रीत बुमराह, जो इस पिच में अपना 100% देगा, ये यहाँ पे से विकेट निकालेगा, इंटेलिजेंट बॉलर है, उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया, हार्दिक को बीच में लाए, अर्शदीप को लाए, सिराज उनको पता था आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, उनके ओवर कैसे करवाने हैं। और सबसे बड़ी बात ये इंडियन बॉलर्स ने ये भी करी कि कंटेंट करते गए कि अगर छक्के चौके नहीं है तो एक डबल सिंगल ये भी नहीं रन पड़ना चाहिए। और बीच में आते आते हमने देखा कि जो रन रेट था, पाकिस्तान को क्या चाहिए होता था, हमेशा 10 या 11 रन फालतू चाहिए होते थे, और वो मेंटेन करते गए इंडियन बॉलर्स की, नीचे 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 क्लोज तक जाता गया, और जब यार 18 रन रह गए थे तो डेड श्योर था कि पाकिस्तान इस मैच को नहीं जीतने वाला। नसीम शाह ने जरूर दो चौके लगाए, फिर 8 रन चाहिए थे, अगर अर्शदीप ऐसे भी बॉल फेंकते थे तो भी जुड़ जाते। बट यस, डिफरेंस वॉज जसप्रीत बुमराह, डिफरेंस वॉज रोहित शर्मा कैप्टनसी। आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट में खराबी कहां पे, आपको बींग जर्नलिस्ट हैं आप ऑब्जर्व तो करते हैं ना, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का टैलेंट ये रह चुका है या कहीं खराबी है? मेंटल फटीग मेरे को लगता है कि वो लोग ना प्लेइंग टू प्रेशर, क्योंकि मैंने कल बताया आपके भाप याद आए थे तो वो बात कर रहे क्या रहे कि हमने बहुत सिखाया है इन लोगों को, इन लोगों को हमने बहुत समझाया है, उसके बावजूद आप मेंटल प्रेशर हो जाते हो वही समझ नहीं आ रहा होता, एक कोलैप्स हुआ सारे कोलैप्स हो जाते हो। उसके बाद मुझे वही लग रहा है कि आपकी टीम में शायद बैट की जरूरत है, बैट के बाद एक आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, मैं बोलता हूँ द टेस्ट ऑस्ट्रेलिया वाली, उसमें वो जब जस्टिन लंका ने टीम संभाली थी ऑस्ट्रेलिया जब डाउनफॉल पे थी तो उन्होंने क्या करा, वो उनको रशिया लेके जाता है,
उसमें कि रशिया में जाके जो उनके डेड के 2-3 की सोल्जर्स की वो वहां पे उनको ले आके उनको मोटिवेट करता है कि इन्होंने अपनी जान गवाई ऑस्ट्रेलिया के लिए, आप भी वही हो। तो मुझे लगता है कि आपके कोच को शायद कुछ ऐसा ही करना चाहिए, इनको एक छुट्टियों पे लेके जाओ। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे 12-13 दिन हुए गैरी कस्टन को, गाड़ी कर दे रहे हो इनके मैनेजमेंट को, भाई इनको एक छुट्टियों पे भेजे कहीं और इनको मोटिवेट करे। ऐसा ही है, अब तो छुट्टियां ही होने वाली है अभी शायद। मुझे तो ये लगता है, आप देखो बात, रमेश आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट में एज अ जर्नलिस्ट आपको आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि खराबी कहां पे है? आप मुझे लग रहा है यार कि पाकिस्तान क्रिकेट में वो आला दर्जे के क्रिकेटर्स नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट में जो कमी लगती है वो लगती है किलर इंस्टिंक्ट की। पहले पाकिस्तान मेरे तो कल भी एक जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान के, उनके साथ मेरा बड़ा लंबा एनालिसिस हुआ। मैंने उनसे बोला कि पाकिस्तान इज अ डिसेंट टीम, इट्स अ टीम ऑफ गुड बॉयज, इट शुडंट बी अ टीम ऑफ गुड बॉयज, यू कैन बी बैड बट आपको किलर इंस्टिंक्ट के साथ खेलना पड़ेगा ना। आपका कौन सा गेंदबाज है जो आंखें दिखाता है किसी बल्लेबाज को, मुझे बताइए कौन सा आपका बल्लेबाज है जो ये मैंने एक बार ना हरीश सर से पूछा था। मैंने कहा तुसी जाके हासा खेड़ा करन दे हो, मैच तो बात करो, लेकिन कहंदा मैं जाके हूं उथे मैं जंग दे चलना, उसने जवाब दिया कहंदा मैं जंग दे जाना। एक चीज बता दो, पाकिस्तान की टीम इंडिया से हार गई मेलबर्न में, ठीक है, पाकिस्तान के कप्तान ने क्या किया, टी शर्ट लेके जा रहे हैं, ऑटोग्राफ टी शर्ट ले रहे हैं विराट कोहली की। भाई आप खेलने आए, आप दोस्ती निभाने आए, ये चीजें फ्रेंडली चीजें बाद में होती है टूर्नामेंट के बाद। आप हारे कम से कम उसके एनालिसिस तो करें, आप क्या जा रहे हैं कप्तान के पास, आप तो अपने आप को भी नीचा कर रहे हैं ना। आप जा रहे हैं उनकी टी शर्ट लेने के लिए कि जी विराट कोहली बड़े बल्लेबाज, अरे आपका देश आपको मानता है कि आप विराट कोहली के बराबर बल्लेबाज है, आपको हार का एनालिसिस नहीं करना, आप टी शर्ट ले रहे हैं उनसे, आप अहमदाबाद है वहां आप उनसे टी शर्ट ले रहे हैं। भाई आप टी शर्ट क्यों ले रहे हैं? आप एग्रेशन जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के अंदर होता था, देखिए वसीम अकरम एक बहुत डिसेंट क्रिकेटर थे लेकिन एग्रेसिव थे, शोएब अख्तर गेंद करने आते थे एग्रेशन था, सबसे ज्यादा दोस्ती शोएब अख्तर की इंडियन क्रिकेटर के साथ थी, सबसे ज्यादा फड्डे भी होने के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैदान ये नहीं जा रहा कि फड्डे होने इंडियन क्रिकेटर के साथ या किसी और के साथ, लेकिन थोड़ा अखमटक्का होना चाहिए। हाँ, यस यस, किलर इंस्टिंक्ट जो है वो मुझे पाकिस्तान के अंदर जो पहली टीमों में लगती थी, मेरी फेवरेट टीम पाकिस्तान रहती थी जब सईद अनवर, इंजमामुल हक उसमें खेला करते थे, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, मिसबाउल हक भी उसमें बाद में ऐड हुए क्योंकि वो 30-31 साल में आए, वो टीम बनी, वो टीम को देख के मजा आता था, दोनों तरफ से लगता था, इंडिया को भी हराते थे, इंडिया वर्ल्ड कप में उनको हराता था, वो किलर इंस्टिंक्ट मुझे नजर नहीं आती। खासकर बाबर आजम की मैं बात करूं, बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज एज ए लीडर वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं, आप देखें कि आज विराट कोहली भारत के कप्तान नहीं है लेकिन विराट कोहली को आप देखिए कैसे करके चलते हुए आते हैं, हाँ ऐसे ऐसे करके चलते हुए आते हैं, मतलब एटीट्यूड में रहते हैं अपने। और जब मैच जब फंसा हुआ था उस समय सारी क्राउड को कह रहे थे कि आप चीयर करो, आप हमारे चीयर करो, गेंदबाज को चीयर, एज ए फील्डर भी उन्होंने अपना रोल किया, रोल किया, एज ए फील्डर भी किया, पूरा एज ए फील्डर भी उन्होंने रोल किया। लेकिन जब मैच खत्म हो जाता है और जीत जाती है, बाबर के साथ भी मिलते हैं, रिजवान के साथ भी मिलते हैं, सब कुछ होता है, कहानी खत्म होगी तो अडी जाओ कर, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद ही फ्रेंडली, उसके बाद वो मजाक करें ये करें, लेकिन पहले वो अपना काम खत्म करते हैं और ग्राउंड में वो भैया सोचते हैं कि हाँ भाई हमें जीतना है और जीतने के लिए हमें जान लगानी है। किलर इंस्टिंक्ट मुझे कम नजर आता है, मुझे शादाब, इमाम ना इनकी बल्लेबाजी समझ में आई, इफ्तिकार को मैंने कभी देखा, लगता है दोनों ऑलराउंडर हैं आपको लगते हैं? मुझे नहीं लगता, मुझे देखिए शादाब की बॉलिंग में मुझे ज्यादा टर्न लगता नहीं, मैंने कई बॉल तो कराई नहीं ना, हाँ नहीं कराई, लेकिन मुझे जब कराते अब तो मानते हैं कि वो बैट्समैन है, मेरे को तो हाफ ऑफ द करियर उनका पता लगा कि जो बैट्समैन है। इमाद बॉल कराते हैं तो इमाद के भी एक फ्लैट ट्रेजेक्ट्री है, इमाद की भी वो लाइन एंड लेंथ पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, उनकी भी ऐसी बॉल नहीं कि पढ़ के इधर उधर जाए, तो है यार अब ढूंढने पड़ेंगे कुछ और प्लेयर पाकिस्तान को या इन्हीं प्लेयर को थोड़ा और बैक करके आगे बढ़ाना होगा। तो दोस्तों ये इंडियन जर्नलिस्ट है जिनको जिनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तान क्रिकेट आज जहां पर खड़ी है उसकी वजूहत बेसिकली क्या है, और आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरे तो से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।